गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी सो के भी उठ गई हूँ, मूवी धोल लिया, पूरा प्रेस अप हो गया। अबे यहाँ पे मम्मी मेरे लिए हॉर्लिक्स बना रहे ना मम्मी। हाँ। भूख लग रहा है, बोल के हमको सुबह सुबह हर रोज भूख लगता है। सुबह सुबह भूख लगती है क्योंकि इसको तो हॉस्टल में ना सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत है। हाँ। तो लेट करते हैं, इसलिए मैं उसके लिए हॉर्लिक्स बना रही हूँ। हाँ। और ये तो फ्रेश अप भी हो गई, बिंदी भी लगा लिया। और यहाँ पे मामा सो रहे पूरा। पे मामी बर्तन धोने के लिए बाथरूम पे लेके जा रहे, इतना सारा बर्तन है। क्योंकि कल हमने जो है डिनर किया था ना, वो बर्तन हाँ। जो है अभी मुझे वॉश करना पड़ेगा। हाँ। अभी मैं हैंडपंप से पानी उठा के लेके आ चुकी हूँ। उला गिर 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 जाना पड़ेगा बाथरूम पे। अभी मैं हॉर्लिक्स पीने जाऊंगी, मम्मी रेडी भी कर दिया। देखो पूरा बिस्कुट बिस्कुट पर सब कुछ रेडी कर दिया, अभी खाएगा टेस्टी से। अभी मैं भी फ्रेश अप हो चुकी हूँ, सारे बर्तन वगैरह को जो है मैंने वॉश भी कर दिया है। तो अभी दीदी ने जो है चावल वगैरह भी चढ़ा दिया है। हम लोग का घर पे जो है लम्बू, जो जहाँ जिम जाते हैं ना, वो ट्रेनर जो है हम लोग का घर पे आज घूमने के लिए भी आएगा, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे खाना खिलाएंगे हम लोग का घर पे। तो दीदी जो है लोकल सब्जी वगैरह रेडी कर रही है, यहाँ पे निकाल दिया है बेत और यहाँ पे तारा, और मिक्स सब्जी पकाएगी शायद। तो मैं कल बोली थी ना वो एक जंगली आलू है, उसका रेसिपी जो है शेयर करूंगी, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका रेसिपीज एंड इसे एक्स्ट्रा करके पकाऊंगी। और क्या होगा, और चिकन वगैरह लेके आना पड़ेगा। हम लोग का मंजिता तो पूरा मस्ती मूड में है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। कल मैं अपना ब्लॉग में दिखा नहीं पाई थी, आज दिखाऊंगी। ये देखो अपना सिटिंग हॉल एरिया में जो है मंजिता टीवी देख रही है, छोटा भीम देख रही है। ये देखो कल टीवी लग गया था तो मंजिता पूरा देख रही थी कार्टून वगैरह को, इतने मजे मजे से ना। तो उसको जो है मैंने चैनल का नाम वगैरह और नंबर वगैरह भी सिखा दिया है, तो उसको कैसे कैसे ढूंढ लेते हैं। तो सुबह सुबह वो हम लोग का टीवी जो है ऑन नहीं हो रहा था, मतलब नो सिग्नल दिखा रहा था, तो किसी को भी वो आइडिया नहीं ना, नया नया टीवी आया है। तो मैंने जैसे तैसे करके जो है रिमोट से कुछ कुछ वो दबा दिया, फिर आ गया। मंजिता पूरा खुश हो गई है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग लंच बना रहे हैं, आज तो ब्रेकफास्ट खेंचल हो गया, सीधा लंच होगा। तो अभी मैं सब्जी वगैरह को रेडी कर देती हूँ यहाँ पर। अभी आलू को जो है मैं पका लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो है ये देखो छिलके वगैरह को फेंकना पड़ेगा। ये वाला आलू खोदने में इतनी तकलीफ होती है ना, एक इंसान का बराबर गड्ढा खोदना पड़ता है। तो अच्छा है खरीद के खाओ, पता नहीं कितना रुपया में लेके आया, पर मिजोरम में ना ऐसा वाला आलू होएंग आलू कहते हैं। ये वाला होएंग आलू जो है 1 किलो का 30 रुपीज में मिलता है। और दीदी यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल बना रही है, और हम दोनों का पता नहीं क्या हो गया, घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी कमर पे दर्द हो रहा है। आलू को भी छील दिया है, अभी इसको जो है मैंने वॉश भी कर दिया, छोटे छोटे करके कटिंग करना पड़ेगा। आलू को जो है मैंने काट के भी रख दिया है, मिक्स सब्जी में थोड़ा सा दे देंगे। तो दीदी जो है अभी फिर से पानी कुमरा को छील रही है, वहां से दे देंगे एक टुकड़ा। और यहाँ पर जो है जंगली बेत एंड तारा जो है मिक्स करके वो भी रोके रख दिया है। आज क्या क्या होगा उसमें, मिक्स वेजिटेबल में जो है पूरा जितना भी इंग्रेडिएंट्स होगा उतना टेस्टी होता है। और इसमें लास्ट में खुशबूदार वाला पत्ता वो मिक्स वेजिटेबल पे दे देंगे। और यहाँ पर जो है तेल भी गर्म हो चुका है आलू को पकाने के लिए, पूरा हील हो गया। अभी पूरा तेल ज्यादा हीट हो गया, ड्राई पीस गया और नमक, हल्दी 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 थोड़ा ज्यादा नहीं, और यहाँ से मिर्च की पाउडर जरा इसे खोल दो तो जल्दी, क्या गले लगा के खोलता है, जलेगा। और थोड़ा सा दे देती हूँ थोड़ा स्पाइसी करके, इसको द
सकती हूँ। आलू थोड़ा सा रख दूंगी, हो जाएगा इतना। मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, फिर इसका पका आराम से पकाना पड़ेगा। मिक्स वेजिटेबल को जो है वॉश करके भी रख दिया है, लास्ट में खुशबूदार वाले पट्टे को दे देंगे। और दीदी ने यहाँ पे ड्राई फिश भी भिगो के रख दिया है, कढ़ाई पे मैंने तेल भी दे दिया है, थोड़ा सा देना है बस मिक्स सब्जी में तेल के साथ पकाने को। मसाला देने की जरूरत नहीं है उसमें, बस नमक हल्दी और थोड़ा सा मिर्च की पाउडर, तो बस हो जाएगा। और वहाँ पे मेरी आलू सब्जी जो है पक रही है, ये देखो यहाँ। अभी हम लोग का ड्राई फिश जो है मसाला का जगह पे दे देते हैं ना हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हो जाएगा। ऐसे ग्रीन वेजिटेबल में ज़्यादा हल्दी देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका जो है क्या बोलेगा जी वाला भैया आ रहा है, वो लोग कलरफुल खाते हैं, हम लोग तो उतना कलरफुल नहीं खाते, स्पाइसी करेंगे थोड़ा, हो जाएगा ना इतना में हो जाएगा। पहाड़ का मिर्च है, पूरा स्पाइसी है वो वाला मिर्च, तो बस इसको डालना पड़ेगा यहाँ, जैसे आलू पकाई थी वैसे ठीक से पानी है इसमें। आज टेस्टी होगा, पानी कुमरा भी है ना और आलू भी है। और लास्ट में सबसे फेवरेट ये देखो, खुशबूदार वाला पत्ता बोरोना साग, हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं बोरोना साग। पता नहीं ये मौसम जो है धूप देगा कि नहीं देगा, पर ऐसे धुंधला करके रखा हुआ है। धूप देने से तो सबका वो ठीक होता है ना, कपड़ा वगैरह भी कितना गीला गीला करके रहेगा और ऊपर से मिट्टी भी पूरा कीचड़ कीचड़ होता है। मैं तो गाबूचे को ढूंढ रही थी कहीं मुर्गी चोर करने तो नहीं गए। हाँ गाबूचे, इसको जो है आज़ादी दे दिया, कल से पूरा खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला। अभी मैं यहाँ से जो है आलू का सब्जी में देने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता लेके जाती हूँ। धनिया पत्ता ये एक्चुअली बेलेदी बागोर कहते हैं हम लोग, पता नहीं दूसरा लोग क्या क्या बोलते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में बेलेदी बागोर, बागोर मीन्स धनिया पत्ता। हो जाएगा, इतनी खुशबू आ रही है ना ये वाला धनिया पत्ता से, वाह। मोमोस का सूप में देने से बहुत ही बढ़िया होता है। मंजिता इतना मजे से देख रही है, ये देखो कार्टून लिटिल कृष्णा को देख रही है, ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है। आता है अभी चैनल ढूंढना, बढ़िया से देख रही है। आलू सब्जी में जो है मैंने धनिया पत्ता को भी दे दिया है, और यहाँ पर जो है दीदी अभी पानी डाल दिया, ठीक से बिना पानी के साथ पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका स्वाद आता है ना। तो अभी पानी देने के बाद जो है ये खुशबूदार वाले पत्ते को दे देंगे, और भी इसे पकाना पड़ेगा, पानी देने के बाद जो है इसे पकाना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा आलू सब्जी तो हो चुकी है, तो यहाँ पर आलू सब्जी भी हो चुका है, पूरा टेस्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। कलर देखो ना इतना प्यारा हो चुका है। तो अभी सब चावल को जो है वो एक तो हॉटकेस पे रखना पड़ेगा, दीदी ने चावल ज़्यादा है वो पका दिया था, तो भैया के लिए जो है हॉटकेस पे रख देंगे। एंड सबसे पहले जो है भगवान बुद्ध के लिए दे देती हूँ। हाँ मैंने हॉटकेस पर जो है चावल भी रख दिया है एकदम फुल करके, और यहाँ पर जो है आलू सब्जी भी रख दिया है, और मिक्स सब्जी भी रखना है। मिक्स सब्जी तो अभी भी पक रही है यहाँ, पूरा स्पाइसी हुआ।
जूस थोड़ा कम हो चुका है, अभी ये खुशबूदार वाला पत्ता को दे देती हूँ। मिक्स सब्जी भी हो चुका है, अभी यहाँ पे रख दिया है भैया के लिए, और चिकन जो है बाद में लेके आ जाएंगे तो उसे फिर से पकाना पड़ेगा। बस इसको रख दिया और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट नहीं लंच निकाल दिया है। तो अभी खाते हैं, शुरुआत करते हैं, सभी को भूख लग रही है। खाना वगैरह खाने के बाद जो है अभी हम लोग बाहर पे सभी आ चुके हैं, घर पे तो बस चारों ही है तो सभी यहाँ पे दीदी फिर से मंजिता का बालों पे जो है तेल वगैरह लगा रही है और जुए वगैरह अभी निकालना पड़ेगा। ये लड़की एक दिन में नहीं देती है इसको जो है रेस्ट करके थोड़ा सा बाल में पकड़ने मिलता है। देखो ना फिर से टीवी देखेगी। और ये पटलू मैन क्या कर रहा है? ओ गा बच्चे कहाँ गया? जेलस नहीं हो रहा है? और यहाँ पर इतने ज्यादा फूल निकल आ चुके हैं ना, ये देखो वाओ, ये वाला इतना खूबसूरत है, ये थोड़ा डिसकलर है, ये वाला थोड़ा रेड, ये वाला बहुत क्यूट है, यहाँ पे भी निकल आ चुके है, यहाँ पे भी देखो ये छोटे छोटे वाले इतने खूबसूरत है ना, बाप रे बाप, बहुत ही सुंदर। बाहर पर जो है हमने धूप भी सेक लिया है, अभी मैं भी टाइम पास के लिए थोड़ा सा टीवी देख लेते हो, इतना नया नया टीवी आया है थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अभी मंजिता गई है वहाँ, तो मंजिता कार्टून वगैरह नहीं देख रही, अभी मैं देखूंगी मूवीज। मैं और मंजिता जो है घर पे ही है तो हम दोनों जो है यहाँ पे मूवीज देख रहे हैं, दिल है तुम्हारा। और मंजिता आज पूरा खुशी खुश, बात में खोलना बेटा, पूरा खुशी खुश है। ये देखो होली गिफ्ट मिला है मंजिता को, इतने क्यूट है, ये देखो बार्बी डॉल पूरा पसंद है। और इसने ना पूरा चूज भी कर लिया, ये मैं हूँ, ये उसकी मम्मी है और ये मंजिता है ये जेरी है। हेलो दोस्तों, बहुत क्यूट है ना। और मंजिता को जो है यहाँ पे सिल्वर वाला चेन भी मिला है, ये देखो इतना क्यूट है ना, पूरा पसंद आ गई है। अभी ये बटरफ्लाई लगाएगी उसमें, उसमें लॉकेट नहीं है ना, तो दिखाओ तो बटरफ्लाई कैसा है। ओ छोटा वाला बटरफ्लाई ठीक है। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह भी इतना ज्यादा है, यहाँ पे मंजिता का सबसे ज्यादा फेवरेट बैलून, ये देखो बा, इसमें 50 पीस ना कितना बोला है बा, इतना ज्यादा, ये तो फुला फुला के रहेगी। और सबसे फेवरेट है बैलून्स, एंड यहाँ पे मेहंदी ना, मेहंदी लाया था ना, हाँ मेहंदी, ये देखो 4 पीस लेके आया था, इतना ज्यादा। और बिस्किट वगैरह मंजिता इसको पी के एकदम ठगड़ा होना है, कॉम्प्लेन हाइट को बढ़ाना है मंजिता का। वैसे तो इसका हाइट भी ठीक है पर बहुत ही पतली है। दिखाओ नहीं घुस रहे, ठीक है हम लगा देगा। तो अभी ये सामान वगैरह को रूम पे रखते हैं ना मंजिता, रूम पे रखने के बाद बस इसको इसके साथ खेलो, दे इसके साथ खेलो, इसको भी रखो। हाँ ओ टीवी का वहाँ पे रखेगा, गिर गया अच्छे से। और अभी अभी दीदी और वो जो दोस्त है उसका स्कूटी से जो है बितुल जमा का घर पे गया है, क्योंकि बितुल जमा जो है काली ईटानगर से पहुंचा था, वो झारखंड गया था तो ईटानगर से डायरेक्ट आ गया। और उसका हाथों पे जो है मेरे लिए वो सामान वगैरह भेजा है, बोलता है सब्सक्राइबर ने, तो देखती हूँ अभी दीदी लेने गई है तो क्या क्या गिफ्ट आता है वो सब दिखाऊंगी। वाह इतना खुशी खुश, दुनिया में इतना प्यार करने वाला आप लोग है, वाह क्या और चाहिए जिंदगी में, है ना मंजिता। इसलिए तो मंजिता बहुत ही ज्यादा लकी है, ये देखो पूरा खेलने में लग गई है। तो बस अभी ये सामान वगैरह को जो है रख देते हैं, वो लेमो भी पहुंच चुका है, हॉर्न मार रहा है पूरा, उसका साथ में जो है वो ट्रेनर वगैरह आएगा तो उसको जो है खाना वगैरह खिलाएंगे हम लोग का घर पे, और जो दोस्त आया था उसको भी खिलाएंगे। वाह मेरा उठने में भी बहुत, हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, ये घुटनों में दर्द हो रही है। हेलो और का बच्चे देख रहा है, देखो बटमास में बुनता हूँ, हाँ आग में बुनो। और भैया ने जो है मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह भी लेके आ चुका है, अरे उसका जरूरत भी नहीं था रे। और यहाँ पे समीर भैया से दूध लेके आया, इसको भी गर्म करना पड़ेगा। तो अभी खाना वगैरह फिर से बनाना पड़ेगा, जो दोस्त आया है ना उसको भी खाना खिलाएंगे हम लोग का घर पे लोकल सब्जी से। ये बॉयलर तो उतना ठीक नहीं है, लोकल वाला मिलने से ठीक थोड़ा था ना।
वाह दीदी भी पहुंच चुके हैं। क्या लेके आया? ओ बेम्बू शूट, ये प्रियंका का घर से मंजिता के लिए वो अचार बना देने के लिए हॉस्टल जाएगी ना। और ये मेरा गिफ्ट लीजिए। थैंक यू। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है। वाह इतना प्यार से भेजा है, देखो ना पूरा पैकिंग, ऐसा लग रहा है कि बर्थडे है मेरा। इतना सुंदर गिफ्ट देखो, मुझे ना ये गिफ्ट को खोलने में बहुत वो खोलने का ही मन नहीं लगता है, इतना प्यार से बर्थडे गिफ्ट। तो अभी इसको जो है मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं और मंजिता पूरा लकी हो गए ना मंजिता। दोनों को गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे हैं। तो जिसने भी भेजा है बितुल जमा दिया है मेरा व्हाट्सएप में, एक तो सिस्टर ने भेजा ईटानगर से। तो अभी मैं खोल देती हूँ, सबको दिखाऊंगी। मंजिता पूरा देखने के लिए एक्साइटेड है और मंजिता बोल रही है कौन भेजा है इतना सुंदर करके। वाह पूरा पैकिंग ही पैकिंग। इसको तो इसको कैसे काटे? या ओ माय गॉड, बच्चा के लिए है क्या? बच्चा के लिए एडवांस में। ओह माय गॉड, इतना क्यों था एडवांस? मैंने अभी तक मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। वाह वाह बच्चे के लिए भाई साहब क्या यार, पूरा सेट है ना? वाह पूरा यूनिसेक्स है ना, लड़का हो या लड़की हो दोनों पहन सकते हैं। और एडवांस थैंक यू बहन, थैंक यू, इतना क्यूट है ये देखो। अभी लगेगा मेरा डिलीवरी का टाइम आते आते, अभी डेढ़ महीना और है। ये देखो बहुत ही क्यूट है, मुझे भी आइडिया नहीं किया कि ओ इसमें वो बेबी को लेने के लिए। ये देखो और ड्रेस वगैरह पैंट्स वगैरह भी है, तो अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ। मम्मी स्वाल लिखा हुआ है, ये देखो बहुत क्यूट है ना मंजिता। ये भी इतना सुंदर है, वाह। लम्बो जब गुवाहाटी गया था ऐसा वाला ड्रेस मुझे वो विशाल मार्केट पे दिखाया था, 80 रुपीज में मिल रहा है, जेरी ला दू क्या? नहीं हम मना किया, मत लिखिया हो अभी बहुत टाइम है बोले मैंने। तो कोई बात नहीं, अभी प्यार से भेज दिया तो संभाल के तो रखना पड़ेगा। बहुत ही क्यूट है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरे लिए जो है मिकला होगा, ओ ड्रेस है मिकला ड्रेस, वाओ इतना सुंदर, पूरा हैंडमेड है क्या? हैंडमेड लग रहा है। इसे ना मैं पहन के दिखाऊंगी, डायरेक्ट डायरेक्ट पहन के दिखाऊंगी। तो चलो अभी बच्चे का जो है जो मिला है अभी इसको संभाल के रख देती हूँ, बहुत ही क्यूट है। तो ये वाली ड्रेस देख के जो है पता नहीं मेरा दिल को क्या हो गया, अचानक से आंसू आ गया। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है हमारे प्यारे सब्सक्राइबर की तरफ से, टू डियर जेरी, आई हैव बीन वॉचिंग योर ब्लॉग सिंस लॉन्ग टाइम and never missed you and Rupam's vlogs. By watching you and Rupam, I too start my own YouTube channel. You both inspire me a lot, so I want to thank you with my small gift. Last but not the least, congratulations on your pregnancy. You both are going to be amazing parents. Lucky baby with lots of love from Pumin Daily Vlogs. So huge shout out to them guys. तो आप लोग जाके वो लोग का भी चेकआउट कर लेना, और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हम तो ड्रेस देख के हम दोनों इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू आ गए, पूरा आंखों से आंसू आ गया, अभी देख सकते हो। क्योंकि मेरा पूरा नया एक्सपीरियंस है ना, पहली बार, तो ये सब जो है मेरे लिए बिल्कुल नई चीजें हैं। तो पहली बार बाप बन रहा हूँ, तो अभी आने का बाद तो और भी क्या क्या होगा भाई। तो इसे हम संभाल के रखेंगे, अपना बच्चा को पहनाएंगे, हम लोग ब्लॉग में भी दिखाएंगे। और ये नोट को सुनो ना, फर्स्ट ड्रेस मिला है, मैं फर्स्ट ये लगा दूंगी। हाँ फर्स्ट ड्रेस है बेबी के लिए। मैं ये हम लोग का नियम में तो हम लोग पैदा होने से पहले नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर गिफ्ट देते हैं तो हम लोग उसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग खुद एज ए पेरेंट नहीं खरीद सकते, ये हम लोग का रूल है। तो हम लोग पैदा होने के बाद ही खरीद पाते, लेकिन गिफ्ट हम लोग ले सकते हैं अगर कोई देता है तो। इसलिए जो है हम दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है अपना बेबी के लिए, तो फर्स्ट गिफ्ट मिला है तो मैं संभाल के रखूंगी। और जब बच्चा आ जाएगा ना, मैं फर्स्ट दिन पे उसको ये वाली ड्रेस पहना दूंगी, बहुत ही क्यूट है। और सच में बहुत इमोशनल हो गए, पूरा आंखों से आंसू आ गया था, लम्बो का ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी जो है ड्रेस वगैरह को रख देती हूँ संभाल के, बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच बहन। जो मैं अचार बनाए थे इसको जो है थोड़ा सा नमक कम हो गया, मम्मी उस दिन टेस्ट किया था तो थोड़ा नमक ज्यादा देने के लिए बोली है। इसको जो है अभी गमले पे निकाल के नमक मिक्स करना पड़ेगा।
जूस। मैंने ना इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, अभी थी देख लेती हूँ। वैसे टेस्टी हुआ है, टेस्टी हुआ है। बहुत ज्यादा वो जेगरी दे दिया ना मैंने, तो हो जाएगा पूरा ऐसे। हाँ छिटक लग रहा है यार, टेस्टी हुआ है। मुँह में पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी खाएंगे थोड़ा थोड़ा, मेहमानों को भी खिलाएंगे। हाँ। अचार वगैरह को जो है नमक मिला के मैंने धूप में भी दे दिया है सूखने के लिए, तो अभी ये वाली गमले को जो है वॉश करके लेके आती हूँ। दोनों में दे दिया है मैंने नमक, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे इतनी जूसी जूसी लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी हुआ है बोल रही है दीदी। ये देखो यहाँ पे फर्मेंटेड लाई पत्ता भी दे दिया है धूप में, एंड अभी इसको वॉश करके लेके आती हूँ मैं। और आज धूप दे रही है ये देखो, और मंजिता का कपड़े वगैरह भी पूरा अच्छे से सूख पाएगा। मेखला भी ट्राई कर लिया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, ये देख सकते हो पूरा हैंडमेड है। बस ब्लॉग में देखते हो आप, हमें इतना प्यार करते हो और इतना सुंदर सुंदर गिफ्ट भेज दिया। जो बहन ने इतना प्यारा गिफ्ट भेजा है, बहुत ही दिल से थैंक यू आपको इतना सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजने के लिए। और अभी तक हम लोग खुद बेबी का पेरेंट्स होने वाले है, तो हमने जो है अभी तक खुद अपना बेबी के लिए कुछ भी सामान वगैरह कुछ नहीं खरीदा है। तो ऐसे हम लोग का नियम पे जो है पहले से खरीद के नहीं रखता है, तो आपने तो गिफ्ट दिया है इसलिए जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है, बाद में खरीदेंगे ऐसे जब डिलीवरी का टाइम हो जाएगा। आप लोग दुआ कर देना कि हमारा जो आने वाला बच्चा है वो सही सलामत आए, तो बस मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो पाए। तो सभी बोलते हैं आपके लिए कुछ भेजना चाहते हो बेबी के लिए, तो मुझे जो है एड्रेस वगैरह देने में बहुत शर्म लगता है। तो मंजिता का बारे में भी वो कोई कोई बहुत पूछता है ना, तो सामान वगैरह प्यार से भेजने के लिए बोल देता है, तो बहुत शर्म लगता है। एड्रेस वगैरह अगर मैं दूंगी तो मैं वो समझ लेती हूँ कि ऐसे गिफ्ट को जो है मैं डायरेक्ट मांग के ले रही हूँ ऐसे बोल के। तो इसलिए जो है मैं बहुत लोगों को ऐसे लव रिएक्ट देती हूँ, बस उसमें कुछ भी मैं रिप्लाई दे नहीं पाती। अगर कोई कोई मेरा इंस्टा पे जो है मैसेज कर देता है, तो इंस्टा पे भी मैं कभी कभार रिप्लाई देती हूँ, पर मैं इंस्टाग्राम पे जो है उतना एक्टिव भी नहीं रहती हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे खराब मत पाइए, और मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग को जो है आप लोग प्यार दे दोगे, तो आपसे बस यही उम्मीद रहेगा। मेरा जो आने वाला बेबी है, आप लोग आशीर्वाद दे देना कि सही सलामत से आ पाए मेरा जो आने वाला बच्चा है। तो अभी और क्या ही बोलूं दोस्तों, आज मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी सबसे पहले वो बेबी का ड्रेस देख के। बाप रे, खुश भी बहुत ही ज्यादा हूँ, इतना आप लोग प्यार करते हो, हमें पूरा अपना जैसा मानते हो, ऐसे अच्छा लगता है हमें भी। तो और क्या ही बोलूं, बस यही है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है बस। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।